इलाज नहीं हो रहा है तो पूरा प्राइवेट में करिए जाए, तभी खर्चा होगा। मैं जी जी मैं बोला तो हूँ भैया से। जी 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 नमस्कार, मेरा नाम है छोटू बाबू छपरा वाले और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं भोजपुरिया टनाटन। दोस्तों, पिछले दिनों बिहार के बेतिया शहर में एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था। पीड़ित बच्ची से सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी ने आज वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की, उसका हाल चाल जाना और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर बच्ची को उस हॉस्पिटल में दिक्कत हो रहा है तो दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, वो सारा खर्चा सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी उठाएंगे। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि राकेश मिश्रा जी ने भी उस बच्ची से वीडियो कॉल के जरिए बात की, उस बच्ची का हाल चाल जाना और सरकार से उस दोषी को बहुत जल्द सजा की मांग की है। दोस्तों, आइए हम आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं कि खेसारी लाल यादव जी और राकेश मिश्रा ने क्या बातें की उस बच्ची से। धन्यवाद दोस्तों। बोले तो है इन लोगों को जितना होगा खेसारी भैया तो अपना खर्चा करेंगे। अगर वहाँ बेहतर इलाज नहीं हो रहा है तो पूरा प्राइवेट में करिए जाए, तभी खर्चा होगा। मैं भिजवा जी जी मैं बोला तो हूँ भैया से, पहले से ठीक है। आप ठीक हो? बोलो 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 ना। वीडियो हम लोग जो बनाए थे ना, रोना नहीं है, मत रोइए। हाँ सबको पता है, लोग देखा। बात तो अभी किया हूँ, मैं अभी बात किया हूँ थाना प्रभारी बोला है कि हम लोग लगे हैं, कर रहे हैं। मैं DGP के PSO PRO को फोन किया था, वो लिख लिया है, नोट किया है, बोल रहा है साहब सजा उसको मिलना चाहिए। अरे उसको सजा मिलना चाहिए। जी 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 हमारी जो छोटी बहन है उसको उसका सुरक्षा सबसे पहले ये है कि उसको घर ले जाए। जी जी हॉस्पिटल से निकाल ले, उसको खतरा से बाहर कर दे, फिर वो हम लोग के साथ रहेगी तो हम लोग किसी को भी देख लेंगे, उसको कोई बड़ी बात नहीं। जी 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 अभी वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कमी हो, कोई भी पैसे की जरूरत पड़े, कुछ भी जरूरत पड़े तो आप लोग के सड़क खोल दीजिएगा। नहीं भैया, हम लोग को पैसे की कोई अभी जरूरत नहीं है, और लगी कि आप लोग अगर सहयोग में हमारे रहे हैं और इसको साझा, हम तो यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको साझा दिलवाएं। हमने के रूप में साथ खड़ा कर दिया, पूरा पूरा समाज, पूरा भोजपुरी परिवार, हम पर्सनली एक भाई के तौर पर हम अपने बाबू के साथ खड़ा बनी, बस यह दुआ करें कि पहले जल्दी वो अच्छी हो जाए और वो घर जाए। जी जी हम हो जाएंगे, हम उसको बार बार देख रहे हैं तो मन ऐसी हो जा रहा है, किसी के साथ ऐसा ना करें। यही है भैया, ये है बच्ची को देख रहे हैं, देख रहा हूँ, देख रहे हैं आप कितना रेट हुआ है। उसका भी फोटो लीजिएगा अच्छे हो जाओ, घर आ जाओ फिर हम लोग बात करेंगे। जी भैया पास से लीजिए उसका, बोल दीजिए DGP से कल बात कर ले रही भैया, परसों, हाँ परसों ही बात कर रही तो कलन की मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, आया है और इस पे मैं जितना भी हो सकता है मैं SP से बात करता हूँ तुरंत तुरंत। SP और ना तो पटना DGP से एक बार मिल जाएगी। हाँ भैया हाँ पप्पू जी से भी बातचीत कर रहा, मिलकर मैं मैटर को बात कर रहा हूँ। जी भैया जी ठीक ठीक है।